सब्सक्राइब करें सरकारी भर्ती देखो डॉट कॉम को, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी भर्ती देखो डॉट कॉम पर, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूं नई गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट और न्यू इन्फॉर्मेशन, वो भी सबसे पहले और सबसे आसानी से। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको पता है अलग अलग राज्यों से नई सरकारी भर्तियाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। सो फ्रेंड्स, मुझे पता है आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज मैं आपके लिए कौन सी भर्ती लेकर आई हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मोस्टली उन लोगों के लिए हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं और ऐसी ही कोई नौकरी तलाश कर रहे हैं, तो आज आपका यहाँ पे इंतज़ार जो है ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मैं जो आपके लिए आज भर्ती लेकर आई हूँ वो वर्कर और हेल्पर पदों को भरने के लिए ये भर्ती निकाली हुई है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ पे है, कहाँ पे ये भर्ती है। तो ये भर्ती है आंगनबाड़ी में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप मैं जो आज भर्ती लेकर आई हूँ वो है आंगनबाड़ी भर्ती 2020 की। फ्रेंड्स, आंगनबाड़ी के बारे में आप जानते ही होंगे, जहाँ पर निर्धन परिवारों की महिला एवं बच्चों को विशेष स्वास्थ्य संबंधी एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं जो हैं प्रदान की जाती हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसकी आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 20 अक्टूबर 2020। अब जानते हैं इसमें पद दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताती हूँ पद जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो वर्कर्स के लिए हैं 19, और बात करते हैं मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए तो यहाँ पर जो पद दिए हुए हैं वो है 4। बात करते हैं हेल्पर की, सो फ्रेंड्स यहाँ पे बड़ी तादाद में ये वैकेंसी निकल के आई है। जी हाँ, यहाँ पे अगर पद के बारे में बात करें तो पूरे 160 पद हैं, वो भी हेल्पर की पोस्ट के लिए। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं इसमें आयु सीमा क्या है। सो फ्रेंड्स, आयु जो इसमें है आपकी न्यूनतम के बारे में अगर बात करें तो 21 वर्ष है। अगर अधिकतम आयु के बारे में हम बात करते हैं तो आपकी जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको सबसे अच्छी एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, इसमें जो है आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आरक्षित वर्गों को स्पेशल जो है आयु सीमा में छूट दी गई है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था इस नौकरी की सबसे बड़ी खास बात, तो वो ये है कि इसमें क्वालिफिकेशन जो है बहुत कम मांगी गई है। 8वीं क्लास, अगर आप सिर्फ मात्र 8वीं क्लास ही पास हैं तो इस पोस्ट के लिए आवेदन आप कर सकते हैं, और अगर आपने 10th अगर आपने पास कर रखी है तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे पता है ऐसे ही हमारे बहुत सारे हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं और वो भी ढूंढ रहे होते हैं कि हमें भी कोई बहुत ही अच्छी खासी सरकारी नौकरी है जो प्रोवाइड हो जाए। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये नौकरी लेकर आई थी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ इस नौकरी की जो लोकेशन है वो है पश्चिमी गोदावरी। सो फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी खास बात यहाँ पे मैं एक और बताना चाहूँगी, इसमें भारत के सभी मेल एंड फीमेल यानी कि महिला एवं पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी और एक नई सरकारी भर्ती के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।